अक्सर मोबाइल लाने के लिए लोग किस्तों का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि आज के समय में मोबाइल बहुत महंगे हैं। लेकिन किस्तें भरने से पहले कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल गुम हो जाते हैं। मोबाइल गुम होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मोबाइल के वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़ देता है। लेकिन कोरबा पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से आज दर्जनों लोगों को वापस उनके मोबाइल मिल गए हैं। आपको बता दें, दर्जनों गुम हुए मोबाइलों को आज कोरबा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने उनके धारकों को वापस दिलाया, जिससे धारकों के चेहरे पर खुशी लौट आई। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा गुम हुए मोबाइलों को मालिकों को वापस देने के निर्देश पर साइबर से कोरबा टीम द्वारा तकनीकी आधार पर खोजा जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक सभागार में संतोष सिंह द्वारा गुम हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस सौंपा गया। इस अवसर पर उपस्थित मोबाइल मालिकों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। मोबाइल मालिकों ने अपने मोबाइलों को वापस पाकर कोरबा पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल वापस पाने की आस ही छोड़ दी थी, किंतु पुलिस के प्रयासों से उन्हें अपने मोबाइल वापस मिल गए। सभी लोगों ने इस दौरान पुलिस को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीप त्रिपाठी, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक कृष्ण साहू, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक आदि काफी लोग मौजूद रहे। जी बताएंगे कि कितना मोबाइल पकड़ा गया है, कहां कहां से पकड़ा गया? कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार गुम मोबाइलों की खोज साइबर सेल के टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज 170 गुम मोबाइल एसपी सर के द्वारा संबंधित को वापस किए गए। इन मोबाइलों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार राज्यों से इसको रिकवर किया गया है। दो मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे जो मोबाइल चोरी का पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं, गुमा हुआ मोबाइल रख लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मोबाइल ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु जिसका कि मालिकाना हक जिस व्यक्ति के पास नहीं है, अगर ऐसे वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो धारा 403 IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि किसी का मोबाइल गुम गया है और किसी को मिला है या किसी ने उसको खरीद के उपयोग कर रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध है और ऐसे पकड़े जाने पर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरी अपील है कि कभी भी अगर किसी को मोबाइल मिलता है तो संबंधित को वापस कर दें या संबंधित पुलिस थाना या अन्य जो प्राधिकारी हैं शासन को वापस कर दें, ताकि संबंधित को वापस किया जा सके।